और इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो फिलहाल यहां पर मंडी में जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और जितने भी कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो फिलहाल आप देख सकते हैं उनके स्वागत करते हुए आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो फिलहाल यहाँ पहुंच चुके हैं और जितने भी कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो फिलहाल उनका स्वागत करते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। फिलहाल मंडी का जो है निरीक्षण किया जाएगा, आप देख सकते हैं फिलहाल मंडी के निरीक्षण के लिए जो है आप देख सकते हैं किसानों से भी जो है बातचीत करेंगे, मजदूरों से जो है बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल की नई अनाज मंडी में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल जो फसल है उसका निरीक्षण करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है फसल का निरीक्षण करते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। जो किसान की जो ढेरी है उसको खुद हाथों में लेकर जो है चेक किया जा रहा है पूरा मौसम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और जो किसान है किसान से बात कर रहे हैं कि आखिर ये ढेरी उसकी इस समय तक क्यों पड़ी है। किसान जो है पूछा के आगे आप सामने अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर ढेरी अब तक कर दो। आप देख सकते हैं फिलहाल जो गेहूं खरीदी गई है वो हैफेड द्वारा खरीदी गई है, उनको जो है फिलहाल बुलाया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल निरीक्षण करते हुए जो गेहूं खरीदी गई है उसका निरीक्षण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल करनाल की नई अनाज मंडी में जो है वो पहुँच चुके हैं, बातचीत करते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। जो गेहूं में मॉइस्चर है उस चीज़ को लेकर जो है फिलहाल बात की जा रही है, और साथ ही साथ जो शाइन इस समय कम है उसको लेकर भी जो है बातचीत की जा रही है। फिलहाल निरीक्षण करने के लिए जो है यहां पर पहुंचे हैं, निकाल देंगे। क्या स्थिति आपको मिली है? स्थिति ये मिली है, एक तो बेमौसमी जो बारिश हुई उससे किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ, दूसरा ये सरकार जो है और परेशान कर रही है, करना चाहिए कंपनसेशन देना चाहिए और गिरदावरी करने के तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए था। कोई 17 लाख एकड़ के करीब जो है वो रिपोर्ट आई है जो खराबा हो चुका, लेकिन गिरदावरी अभी 10% की हुई है, पोर्टल चल रहा है, पोर्टल चलता नहीं इनका। और ख़रीद जो है सरसों की खरीद 5450 MSP है, किसान को MSP भी नहीं मिल रही, उसको मजबूरी में 4600 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। इसी प्रकार गेहूं की है, गेहूं में लस्टर लॉस दिखा के और उसका ब्रोकन दिखा के, मॉइस्चर दिखा के ऐसी बात करें जो खरीद ना हो उनकी, ये सब जो है उनको तुरंत खरीदना चाहिए, देना चाहिए कंपनसेशन। ये और परेशानी पैदा कर रहे हैं किसान के लिए, किसान को बड़ी भारी तकलीफ़ है। ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है,
ये तो कोई कारण नहीं कि खरीदना हो, अब तक किसान को परेशानी का मुकाबला करना पड़े। आप लोग सर आरती यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और आरती बाहर जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, कई आरतियों ने यहाँ से छोड़ा। तो वही तो कह रहा हूँ, इस सरकार से हर वर्ग नाराज है, किसान हर वर्ग में, किसान हो, व्यापारी हो, आरती हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, वही सब हो रहे हैं। यूपी भविष्य में इनेलो के साथ गठबंधन हो सकता है, ऐसी अब काफी चर्चाएं चलने लगी हैं सर। ये आपकी सुन, आपसे सुनने में चर्चा देखो पत्रकार का क्या काम होता है, आप थोड़ा सा तुम भी देखो, एक आदमी कह देगा बारिश हो रही है, तुम लिख दोगे बारिश हो रही है, दूसरा कह देगा ना धूप निकल रही है, तुम लिख दोगे धूप निकल रही है, खुद तो जाकर देखो धूप निकली है या बारिश हुई है, उसके बाद क्या करना। 75% फसल खराब और 15,000 के मुआवजा, ये सरकार का क्या फॉर्मूला है? कोई फार्मूला नहीं, सरकार मुआवजा तो कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक देना चाहिए, क्योंकि जो लागत बढ़ा दी है, आज डीजल का भाव क्या है, जब 12,000 रुपये समय में था उस टाइम डीजल का क्या भाव था, ना हमारा किसी खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर था, लागत कम थी, किसान की आमदनी थी, किसान खुशहाल था, आज लागत तो कई गुना बढ़ा दी लेकिन आमदनी घटा दी। किरण चौधरी, उनका बयान आया है कि मैं रात को सीएम बन के नहीं सोती, आप सोते हैं सर सीएम बनने का सपना लेकर रात को? मैं कभी सपने देखता नहीं, दिन में मैं रात को छोटो में दिन में भी सपने देखता हूँ। क्योंकि ये ई टेंडरिंग का जो मामला है, ये एक और घोटाला बनेगा इससे, और जो इलेक्टेड पंचायत है उन पर विश्वास रखना चाहिए, वो जवाब दे हैं लोगों के लिए। ग्राम स्वराज्य और क्या गांधी जी की कल्पना थी कि गांव के लोग खुद फैसला करें, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? पोर्टल, ये किसान बात सुना आपने, वो कहते पोर्टल नहीं चलते, उनके पोर्टल नहीं चलेंगे, इस वास्ते घोटाला होगा, जब ये आपको देना है तो आपको दे के इनका पोर्टल आएगा तो बंद कर देंगे ये पोर्टल में। आपको ये लग रहा है कि जो मुआवजे की बात कर रहे हैं ऐसे ही होगा, पोर्टल की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाएगा? पोर्टल नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से सरकार चलनी है, पोर्टल से ही काम करने हैं, तो ना तो मंत्रियों को जरूरत, ना मुख्यमंत्री से पोर्टल चला, ना किसान की जरूरत, पोर्टल ही अन्न पैदा कर देगा, पोर्टल ही खरीदेगा। सर भिवानी में नहीं बुलाए आएंगे क्या मांग करते हैं सर, कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए? नहीं नहीं वे तो खरीद पूरी होनी चाहिए, मॉइस्चर की जो छूट देनी चाहिए, ये जो लस्टर लॉस दिखा रहे हैं कोई मायने नहीं, लस्टर लॉस अब गेहूं का नहीं है, ये तो बेमिसाल है, लस्टर लॉस तो इस सरकार का हो चुका है, लोगों ने लस्टर लॉस इस सरकार का कर दिया। हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब नहीं देता कभी। सर दिग्विजय चौटाला लगातार कह रहे हैं आज करनाल में थे, वो कह रहे हैं कि हम ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत किया है किरण चौधरी ने, आप किस तरीके से देखते हैं? अरे मेरे क्या एतराज है, मेरे क्या इसमें व्यक्तिगत बातें हैं, ये वो कांग्रेस ओम प्रकाश चौटाला भी कांग्रेस में ही थे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि 2019 में कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ऐसा है, ये अपना चैनल कौन सा है तेरा? सावधान इंडिया, वो तो उस टाइम था स्थानीय और जितने चैनल है ABP और उनके चैनल खोल के देख लो समय क्या तुम्हारे जो आप नाम मिल जाएगा। आप स्वागत करेंगे सर, कोई भी अधिकारी नहीं है, किसका? तेरा ओम प्रकाश चौटाला का। तेरा करूं? नहीं सर, राजनीति में मैं आना नहीं चाह रहा। आपके स्वागत के लिए मैं तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब। कल पत्रकारों पे हमला हुआ है करनाल में, पत्रकारों पे हमला हुआ है, पत्रकारों पे करते हुए हमला हुआ है, लोग थे किसान भी नहीं कह सकते हम उनको। एनडीआरआई का मेला था, मेले के दौरान कवरेज करने के लिए गए थे और काफी बुरी बात थे, कुछ साथी थे, जांच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज मंडी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए जो है आप देख सकते हैं पीछे जितने भी कांग्रेसी नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो फिलहाल उनका इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मंडी का निरीक्षण किया जाएगा। हमारे साथ त्रिलोचन जी एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ शाम को सीएम साहब भी अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। देखिए, सीएम साहब तो अपने पर्सनल कार्यक्रम में आ रहे हैं, मंडी में कभी वो ना आते हैं, ना उनको जरूरत है, ना वो किसानों के दुख दर्द कभी उन्होंने पूछा है। पिछले 8.5-9 साल हो गए हैं किसानों की कभी उन्होंने हित की बात नहीं की। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो किसानों के नेता भी माने जाते हैं, छत्तीस बरादरी के नेता भी माने जाते हैं, जब जब भी फसल आती है वो मंडी का दौरा जरूर करते हैं, ताकि उनको मालूम पड़े आज किसान को, मजदूर को, आर्थिक को क्या क्या कमी है। वो अपनी बात के माध्यम से सरकार को चेताते हैं, सरकार को अलर्ट करते हैं, जिसकी वजह से किसानों की बात सरकार तक पहुँच पाती है। फसल की खरीद की अगर बात करें, किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं बेचने में। देखिए, ये तो हमेशा ही है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, ये किसानों के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि इनका प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है। प्रशासन पर कंट्रोल नहीं होगा तो सारी व्यवस्था जो है ख़राब हो जाती है। इस वजह से आज मुख्यमंत्री महोदय अभी जो बात कहेंगे वो सरकार के कानों तक भी जाएगी और सरकार जो हमारे मौजूदा कर्मचारी हैं उनके तक भी बात जाएगी। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और अगर शाइनिंग की बात करें वो भी फसल में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर कोई राहत की भी मांग करेंगे? देखिए, राहत तो होनी चाहिए। जो किसान एक फसल बीज देता है उसको सरकार को हर हाल में खरीदना चाहिए। मॉइस्चर ज़्यादा है, कम है, आना कानी करके किसानों को परेशान ना किया जाना चाहिए, और जो फसल किसान लेके मंडी में आ जाता है उसको तुरंत खरीद लेना चाहिए, ताकि किसान अगली फसल की तैयारी कर सके। मुआवजे की बातें कही जा रही है, लेकिन बहुत सारे किसानों को तो अभी तक मुआवजा मिला नहीं है, क्या लगता है सिर्फ बातें रह गई हैं? देखिए, सरकार ने पिछले 10-9 साल से कोई मुआवजा दिया ही नहीं, अगर दिया भी है इतना कम दिया कि जिम्मेदार को लेते हुए भी शर्म आती है। सर, कभी मौके पे गिरदावरी नहीं कराई, कभी मौके पे ना सर्वे नहीं कराया। जब ये काम निकल जाता है, किसान अपने घरों में चले जाते हैं, तब जाके सर्वे कराते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, किसान चक्कर मार मार परेशान हो जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं।